हम जब अन्याय करते हैं, कोई भूल भ्रांति करते हैं, तो हमारे भीतर ही एक कोई ऐसे है जैसे हमको टोकता है, ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। कि जीवात्मा संसार चक्र से मुक्त होकर भगवान सानिध्य प्राप्त करे, हर समय इसकी ऐसी इच्छा, दैवी शक्ति। और असुर शक्ति जो है माया शक्ति से प्रभावित होने के कारण, वो चाहती है कि जीवात्मा को संसार चक्र में ले जाए। जितना प्रकृति जात और जितना अवगुण है, ये असुर शक्ति से संयुक्त है। मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम आदि जितना अवगुण है, और दैवी शक्ति जो है ये समस्त सद्गुण से अलंकृत है। अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान युग अवस्थिति दानं दमश्च जग्गश्च साध्यस्तव अर्जुनम अहिंसा सत्यं स्तव शांति रपेशुनम दया भूतिषु माद्रवम भ्रिय अचापलम तेजक समाधिति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवंति संपदम दैवी अभिजात भारत। ये दैवी शक्ति है। ये गुण जो देखने में आता है जीवात्मा के अंदर, तो समझना चाहिए ये दैवी शक्ति संपन्न। और जितना अवगुण जितना दिखता है, ये असुर शक्ति, माया शक्ति, अविद्या माया शक्ति। और इसके तीन प्रकार स्थिति है जो हमारे अंदर विवेक, विवेक कहते हैं दैवी शक्ति को। ये विवेक ही हमारे भीतर प्रेरणा का स्रोत होता है। हमको जो शुभ मंगलमय अनुष्ठान जो भी हम करने के लिए प्रेरित होते हैं, हमारे भीतर इच्छा शक्ति जागृति होती है, हमको ये करना है, ये करना है, हमको भजन करना है, हमको नाम करना है, हम कहाँ फंसे हुए हैं संसार चक्र में, हमको क्या करना है, अब हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना है, तो किसके पास जाऊं, ये जो प्रेरणा भीतर में, ये दैवी शक्ति की प्रेरणा। ये दैवी शक्ति जब तक जागृति नहीं होती है, तब तक जा करके वो निष्क्रिय होके रहता है, हमारे भीतर ही है वो निष्क्रिय। उसको माया से प्रभावित होकर भोग वृत्ति प्रबल होने के कारण, क्यों माया शक्ति प्रबल होता है, तो उसको खींच करके जीवात्मा को बहिर्वृत्ति से प्रभावित करके संसार चक्र में ले जाता है। विवशकार ये नहीं कोई काम नहीं करेगा, विवेक सुप्त होने का कारण निष्क्रिय रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। विवशकार प्रभावित होकर के वो भोग वस्तु में आसक्त होकर के उसी कर्म करने में मजबूर हो जाता है। तो इसके तीन प्रकार स्थिति है, एक है जागृत विवेक, एक है सुप्त विवेक, एक है मूर्छित विवेक। तीन प्रकार विवेक की क्रिया है। अनादिकाल से हमारे अंदर दो शक्ति क्रियाशील हो रही है, पशु के अंदर भी है, पशु के अंदर भी विवेक है, लेकिन वो निष्क्रिय। मूर्छित विवेक है लेकिन मूर्छित, जैसे मूर्छा होकर के, अचेत होकर के जिस स्थिति, जैसे स्थिति में हम रहते हैं, माने धक्का मारने से भी जागते नहीं है, पानी डालने से भी जागते नहीं है, एकदम निष्क्रिय होकर के रहते है। ऐसा नहीं जो मर गया, ऐसा नहीं, वो निष्क्रिय है, ऐसा रहता है। आप देखना, ऐसे कुत्ता तो बहुत सारे जगह ढूंढता है ना, कोई कारणवश कुत्ता आपका घर में घुस गया, है ना,
जहां तहां तुम्हारे सामने से डोल रहा है, इधर उधर जा रहा है, कोई भय नहीं, तुम्हारा घर में घुस गया, तुम सामने आ गया, देखना कुत्ता कितना भयभीत हो जाएगा। क्यों भाई, भय का कारण क्या है? वो तो डंडा लेके तुम मारने के लिए नहीं आया है, देखना वो बने क्या करेगा कितना जल्दी भाग जाए यहां से एकदम, अरे एक बार मौका मिली से इतना जम के भागेगा। क्यों भाई, मन उसका वो सुप्त मूर्छित विवेक है ना, वो कभी कभी थोड़ा सा जग जाता है तो उस विवेक कहता है तू बड़ा अन्याय किया है, तू घर का अंदर घुस गया है। पशु के अंदर भी ऐसे विवेक कभी कभी दिखने में आता है, बंदर के अंदर तो विशेषकर कभी कभी दिखने में आता ही है, ऐसे है मूर्छित विवेक। सुप्त विवेक है, मान लीजिए ऐसे हम सो रहे हैं लेकिन धक्का मारने से जाग जाते हैं, ऐसे है सुप्त विवेक। और जागृत विवेक माने जागे हुए हैं, जैसे हम जागे हुए हैं। ये जागृत विवेक जो है ये भक्ति मार्ग में साधक को बहुत जल्दी पहुंचा देती है, सत्संग के द्वारा, साधु संग के द्वारा, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, जब उसके अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है तो जाके वो किसी अवस्था में ये अज्ञान जातो, अविद्या जातो, माया से प्रभावित तो होती नहीं है उसको, क्योंकि उसका विवेक जागृत है। ये जागृत विवेक जो भगवत भक्त हैं, ऐसे भक्त में ही देखने में आता है साधारणतः, तो संसारी लोगों में ये जागृत विवेक देखने में आता नहीं है। मात्मनस्तु मंग पार्थ दैविंग प्रकृति मश्रिता भजंतम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। मात्मनस्तु मंग पार्थ, हे पार्थ, जो दैवी प्रकृति आश्रय करके जो साधक आए हैं, दैविंग प्रकृति मश्रिता भजंतम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम महात्मनस्तु मांग पर तो दैविंग प्रकृति माश्रित भजंतम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अनन्य भाव से वही हमारा भजन कर सकता है जिसका विवेक जाग गया है। ये दैवी शक्ति, ये विवेक माने दैवी शक्ति, इसमें कई सारे गुण होती है। ये गुण जो जागृत विवेक है उनमें देखने में आता है। अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान युग व्यवस्थिति, अभयं माने भय नहीं, उसके मन में हमको कौन क्या कहेगा, हम भजन करते हैं इसमें हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, ये सब कोई विषय उनका चिंता नहीं, भय नहीं। सत्य संशुद्धि हृदय की जो वृत्ति है उसका शुद्धिकरण हो गया है, शुद्ध एकमात्र भगवत भजन ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ऐसे भावना लेकर के भगवत भजन करने में प्रवृत्त होते हैं। उनका उद्देश्य है कैसे कुछ भी करो हमारे क्या नुकसान हुआ, इसमें क्या नुकसान होगा, क्या भला होगा, क्या बुरा होगा, इस तरफ उनके ध्यान नहीं है। उसको ध्यान है कि हमको बस भजन करना है, कैसे भी हो, किस भी अवस्था में ये शरीर रहते रहते हमको भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी ज्ञान युग व्यवस्थिति दानं, दान करने में बहुत माहिर है, भगवत सेवा आदि, साधु संत सेवा आदि, इसमें उनकी अधिक रुचि होती है। दानं दमस्य, दम दमन करने का माने अंतकरण वृत्ति जो है, अपने जो बहिर्वृत्ति है उसको विवेक के द्वारा उसको दमन करने में समर्थ है। दानं दमस्य, ये सब सद्गुण से वो अलंकृत हो जाते हैं, स्वाभाविक उनके अंदर ये सद्गुण दिखने में आता है।
ये जो दैव शक्ति संपन्न जो साधक है वो ही अनन्य भाव से मेरा भजन कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। अनन्य भाव से लाख समझाओ जो संसार अनित्य है, जगत अनित्य है, तुम कहाँ फंसे हो भाई। ऐसे मानव तो रहते रहते अगर भगवत भजन नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो ना जाने फिर काल चक्र में पड़ करके तुमको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। लेकिन ऐसे विवेक जागृति ना होने का कारण, दैव शक्ति संपन्न ना होने का कारण ये ज्ञान उनके भीतर प्रवेश नहीं करता है। तो यह है सुप्त विवेक। सुप्त विवेक कैसे है, जैसे सोया हुआ है व्यक्ति, धक्का मारने से जग जाता है। तो ऐसे ही संसार में एक श्रेणी के मनुष्य है जो कि संसार चक्र में ऐसे फंसे हुए हैं, उनके ये चेतना नहीं कि हमारे दुर्लभ मानव जीवन, ये दुर्लभ मानव जीवन एकमात्र हरि भजन करने के लिए ही भगवान ने कृपा पूर्वक हमको प्रदान किए हैं। ये भगवान की असीम करुणा है जो कि हमको ये मनुष्य तो अनुप्रदान किए हैं, लेकिन पूर्व संस्कार वश वो भूल करके संसार चक्र में ही पुनः पुनः आवर्तित तो हो रहे हैं। तो जब साधु संग होता है, साधु संग से साधु जब उनको समझाते हैं कि तुम थोड़ा सा भजन करो, देखो तुम कहाँ फंसे हो, संसार चक्र में तुम फंसे हो, ऐसे ठीक नहीं है, थोड़ा भजन करो, आत्म कल्याण के लिए कुछ प्रयत्न करो, तो क्या होता है कुछ समय के लिए जाग जाता है। जैसे कोई सोया हुआ है उसको धक्का मार के जब हम जगा देते हैं जाग जाता है, ऐसा ही सुप्त विवेक जो है वो ऐसे कभी कभी जाग जाता है। हाँ हाँ हाँ, जाग गया, मान लो जाग गया, हाँ वास्तव में सत्य है, हरि भजन करना है, हरि भजन ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, और सब गौणों कारण है, ये तो आनुषंगिक है। शरीर निर्वाह के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, लेकिन ये हमारा जीवन के ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो एकमात्र हरि भजन। विवेक जाग जाता है साधु संग में आ करके, उसको विवेक उसको बोलता है जो भजन करना चाहिए, वो भी सोचता है हम भजन करेंगे, थोड़ा सा दो एक फेरा माला भी कर लेते हैं, लेकिन संसार में जा करके अपने परिवार परिजन अपने प्रियजन के संपर्क में आ करके फिर भूल जाता है, फिर सो जाता है, माने विवेक सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कभी कभी टोकता है भीतर में, हाँ हरि भजन करना चाहिए। तो ऐसे जो सुप्त विवेक है वो विवेक के द्वारा ज्यादा आगे निकल जाना बहुत कठिन है। हाँ होता है, हो सकता है, कैसे, निरंतर साधु संग में रहना और भजन करने के लिए अत्यंतिक चेष्टा, बहुत संग में रह करके बहुत उनको हर समय निर्देश करेंगे, देखो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, विशेष करके गुरु सान्निध्य में रह करके, गुरु कृपा अवलंबन करके, गुरु को प्रसन्न करने का चेष्टा करने के साथ साथ अपना भजन चेष्टा। गुरु उनको टोकते हैं बार बार, कहते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ज्यादा संसार में भोग वृत्ति में ज्यादा लिप्त तो नहीं होना, भजन करो भजन करो। तो धीरे 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 क्या होता है, उसका विवेक जो है ना, ये हमारी जो असुर शक्ति है, जो माया शक्ति है, वो घट जाता है, दब जाता है, और जो विवेक जो है ना, दैवी शक्ति, ये बढ़ता जाता है साधु संग में रहकर। जैसे यह सब आए हैं साधु संग में, हरि कथा हरि कीर्तन, इसमें इस समय क्या होता है, सबका ही विवेक तो इस समय जाग ही जाता है, जो वास्तव में सत्य है, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, हम काल से कोशिश करेंगे, आगे कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या होता है, ये
दैवी शक्ति जाग जाता है। ये जितना परसेंटेज बढ़ जाएगा, दैवी शक्ति मान लो 50% के ऊपर चला गया, तो तुम्हारा विवेक मान लो जाग गया, तो असुर शक्ति कम हो जाएगा, 40% हो जाएगा। 40% होने से उसका ताकत घट जाएगा। ये नियम है, माने परसेंटेज बढ़ाओ। चिंता के द्वारा, विचार के द्वारा तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे। शक्ति को बढ़ाओ, दैवी शक्ति को बढ़ाओ। ये दैवी शक्ति तुमको प्रेरणा का स्रोत बन करके तुमको आगे ले जाएगा। हमारे भीतर देखते हैं ना, हम जब अन्याय करते हैं, कोई भूल भ्रांति करते हैं, तो हमारे भीतर ही एक कोई ऐसे है जैसे हमको टोकता है, ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, अन्याय है, बोलता है ना ऐसे भीतर से। मैं बताता हूँ, काली जैसे यहाँ भंडारा हुआ ना, हम जयकारी देने के लिए आए, हमारे भीतर से ही टोक रहा है, अरे तू दंडवत प्रणाम नहीं किया, यहाँ माथा ऊंचा करके ठड़ा है, जयकारी देने के लिए आया है, सब साधु संत आया है, तेरा बुद्धि अभी ठीक नहीं हुई। भीतर से, अरे तुरंत हमने मेरे भीतर से ही बोल देता है, कोई एक जन टोकता है, थोड़ा सा भी भूल होता है तो टोकता है हमको, बहुत भारी बुरी तरह से टोकता है। कभी कभी लज्जित हो जाते हैं, कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, कभी कभी संकुचित हो जाते हैं। ये विवेक ही तुमको ले जाएगा। जिसके विवेक जागृति नहीं हुई, उसको ये साधारण विचार विवेक, विचार के द्वारा तीव्र हरिभजन करना या संसार चक्र से मुक्त होकर भगवत सान्निध्य प्राप्त करना, वो प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। तो हमको क्या करना है, अब ये प्रश्न आता है। तो प्रश्न है, अच्छा लागे या ना लागे साधु संघ में रहना। जैसे मान लो कहीं दूर रहते हैं ना, जितना जल्दी हो आकर के साधु संघ में रहना, उनके उपदेश सुन करके उसको पालन करने के लिए चेष्टा, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, विषयी लोगों से व्यवहार से दूर रहना, घर में ही एकांत होकर के हरि भजन करने की चेष्टा, अखंड हरि नाम करने की चेष्टा, इत्यादि चेष्टा के द्वारा, इत्यादि सद अनुशीलन के द्वारा तुम्हारे विवेक क्या होगा, धीरे 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 इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। जब तक 50% के नीचे तुम्हारा दैवी शक्ति रहेगी, तो ये असुर शक्ति, माया शक्ति जो है, इसके शक्ति ज्यादा रहने के कारण वो उसको प्रभावित कर देगा, वो जीवात्मा को प्रभावित कर देगा, प्रभावित करके उसको भोग वृत्ति में ले जाएगा। विवश जानते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि मान लो हमारा जो दैवी शक्ति है, हमारे भीतर दो शक्ति है ना, एक है असुर शक्ति माया शक्ति, एक है दैवी शक्ति। ये दैवी शक्ति है विवेक। तो दैवी शक्ति मान लो 40% है, असुर शक्ति 60%। तो तुम्हारा तो तुमको तो टोकेगा जो तुम भूल कर रहे हो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हरिभजन करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर सकता है। क्यों? इसका शक्ति ज्यादा है। अरे दूर, दो दिन का जीवन क्या, अभी हरिभजन करने के लिए और बहुत समय पड़ा, ये कहेगा, ये कहता है, समझाता है, हरिभजन करने के लिए अभी बहुत सारे समय है, ऐसा है, अभी तुम इसमें ज्यादा लिप्त हो जाओगे, तुम्हारा संसार कौन पालन करेगा, बाल बच्चा कौन, भीतर में ही बैठे कोई टोकेगा, कोई बोलता रहेगा, तुम सुनना, अगर ख्याल करोगे तो सुनना, जैसे दोनों का झगड़ा हो रहा है, एक तरह विवेक दैवी शक्ति, एक बार असुर शक्ति। अब जिसका शक्ति ज्यादा है वो तुमको प्रभावित करके खींच करके ले जाएगा उधर। अगर मान लो तुम्हारा दैवी शक्ति 60% हो गया,
और अशुभ शक्ति माया शक्ति जो है ये 40% हो गया तो इसका ही चलेगा दैवी शक्ति का। ये कहेगा जो ये कार्य कर, बोले नहीं हमारा मानव जीवन का सवाल है, हमारे दुर्लभ मानव जीवन का सवाल है, किसी भी कीमत पर हम मानने के लिए तैयार नहीं, हमको तो आगे चलना ही है, नहीं तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। जिस भूल उसको मिटाने के लिए ना जाने हमको कितना जन्म फिर संसार चक्र में घूमना पड़ेगा, किसी कीमत पर हम मानेंगे नहीं, ऐसा इस तरह से वो दैवी शक्ति तुमको खींच करके ले जाएगा। तो वो दैवी शक्ति का तुमको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए चाहिए सत्संग में रहना, गुरु अनुगत होकर के रहना, और शुद्ध आहार शुद्ध विहार, विषय लोगों से दूर, संसर्ग से संपर्क से दूर, कहीं संसार जीवन में कहीं जरूरत होता है, व्यावहारिक कारण कभी कभी विषय लोगों का संग करना पड़ता है, लेकिन वो एक हमारी ड्यूटी जान करके जी ये हमारी नौकरी है, यहाँ ये इससे हमारा अपने स्वतंत्र मानव जीवन का कोई संबंध नहीं है, ऐसे जान करके उसमें लिप्त तो नहीं होना। इस तरह से धीरे 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 तुम्हारे भीतर विवेक शक्ति जो है दैवी शक्ति जाग जाएगा। ये जागता जागता जब ये 80% हो जाएगा फिर जाके कोई भय नहीं है, तो ये 20% हो जाएगा तो जी ये कभी कभी तुमको प्रेरणा देंगे भीतर में सूक्ष्म, लेकिन तुमको प्रभावित करके उसमें लिप्त कर नहीं सकता है, ऐसा है ना। तो जो सुप्त शक्ति जो है विवेक, सुप्त विवेक भी उनके लिए क्या करना है, जो विवेक सोया हुआ है हमारे उतना प्रेरणा नहीं इच्छा नहीं, तो उनको भी इस तरह से अगर सत्संग में रहते हैं स्वाद अनुशीलन करते हैं, कोई उनको इस तरह से प्रेरणा देने के लिए हर समय कोशिश करते हैं जो ये भी भक्ति मार्ग में आगे निकल जाए, जैसे माता पिता अगर अपने बच्चों को इस तरह से सत्संग देते हैं समझाते हैं अच्छा लगे या ना लगे, थोड़ा थोड़ा माला झोली दे करके हरि नाम रटने के लिए कोशिश कराते हैं, है ना, थोड़ा सा गीता भागवत आदि अध्ययन कराने के लिए कोशिश करते हैं, तो धीरे 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 वो दैवी शक्ति जो है वो जाग जाएगा, फिर वही वो प्रेरणा का स्रोत बन करके उसको आगे ले जाएगा। लेकिन ऐसा एक आध दिन समझा लिया वो समझाने से कुछ काम नहीं होगा। और जो मूर्छित विवेक कोई कोई साधारण बहिर्मुख जीवात्मा है, बहिर्मुख जीवात्मा कितना समझा वो तो और उल्टा तुमको कुछ ऐसे दो चार शब्द सुना देंगे, ये क्या है, एक भावुक होता है, ये क्या है, ये हरिना क्या भजन करना, अरे उल्टा तुमको दो चार शब्द सुना देंगे, वो मूर्छित विवेक है, लग समझा वो समझने के लिए तैयार नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं, धर्म मानते नहीं है, भजन तो बहुत दूर की बात है, अरे धर्म वर्म क्या है, जबत जीवित तबत जीवित हितंक विवेक उनकी ये विचारधारा है, जब तक जियोगे तब तक सुख से जीना, ऋण करके भी घी पीना घी खाना ऐसा है उनके। तो ऐसे जीव के लिए क्या किया जाए, बोले ऐसे जीव के लिए भी व्यवस्था है, जैसे मान लो कोई अचेत हो गया तो अचेत होने से फिर क्या किया जाए, उसको अच्छा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, वहाँ अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखाना पड़ेगा ये अचेत हो गया क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, फिर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर फिर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके धीरे 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 दवा दुआ आदि सब दे करके उसको चेतन करेंगे। तो ऐसा ही ऐसे जीवात्मा भी कभी कभी महापुरुष के सान्निध्य में आकर के महापुरुष उसको इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, नवाज देखते हैं, जो इसका तो यहाँ बीमारी है ये बीमारी है ये बीमारी है, तो ट्रीटमेंट करते हैं,
धीरे 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 वो भी समझना शुरू कर देता है। ऐसे हमने बहुत महापुरुष के जीवन चरित्र में ऐसे देखने में आता है, पहले जीवन में बहुत भारी नास्तिक थे लेकिन ऐसे भक्त बन गए हैं। ऐसे नहीं सबके भीतर भगवान है ना, ऐसे नहीं जो वो जागेगा नहीं, वो हरिभजन करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। संगं संग जायते दोषा, जैसे संग ऐसे रंग। पहले पहले भक्ति सज्जन कर संगा, पहले साधु संग में रह करके धीरे 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 उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। माता पिता का उद्देश्य है अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा देना, उनको समझाना, हरि भजन करने के लिए उनको प्रेरित करना, थोड़ा सद्ग्रंथ आदि अध्ययन कराने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। जो ये सद्ग्रंथ पढ़ो, तुम तो अपना स्कूल कॉलेज का तो ग्रंथ अध्ययन करते हो, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता आदि ये भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करो। तो अध्ययन करते 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 फिर धीरे 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 जा करके उसकी रुचि होती है ना। तो हमारे जो साधन के प्राण केंद्र है वो है दैवी शक्ति। गीता में कहे थे महात्मनस्तु मांग पार्थो दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्तम अनन्य मनुष्य ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। दैवी शक्ति जिसको जाग गया है वही अनन्य भाव से मेरा भजन कर सकता है। इसलिए शक्ति को जगाओ, तुम्हारी भीतर सोया हुआ है, तुम्हारे स्वरूप ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तुम समझने का कोशिश करो तुम कौन हो, ऐसे विवेक को जगाने का प्रयत्न करो, फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कर्तव्य अकर्तव्य विषय में तुम्हारा बोध हो जाएगा, तुम समझ जाओगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। अच्छा फिर काल चलेंगे। जय जय श्री राम। एक प्रश्न, प्रश्न होता किसी का छोटा सा। हाँ बोलो। सिद्ध मनोहर दास बाबा का तो जागृत विवेक था, लेकिन जागृत विवेक होने के बाद भी जो है 7 जन्म लग गए भजन करते करते ही, 7 जन्म। हाँ ये बात है, 7 जन्म लग गए। कभी कभी क्या होता है हमारा मान लो विवेक का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन और जो माया शक्ति जो है ना वो पूर्व पूर्व संस्कार के कारण कुछ इच्छा रह जाती है जीव के अंदर, सुप्त इच्छा। कभी कभी देखा जाता है स्वप्न में, हम चाहते नहीं है, हम कल्पना भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे स्वप्न हम देखते हैं, देख करके खुद ही लज्जित हो जाते हैं। हम भजन करने आए हैं, हम ऐसे स्वप्न देख रहे हैं, ये क्या है? तुम्हारे सुप्त भीतर में सुप्त इच्छा जो है वो कभी कभी झलक खिलता है स्वप्न में। तो क्या होता है जब तक एक कषाय हमारे अंदर है, कषाय भी ऐसा है सुप्त कषाय, जागृत कषाय, मूर्छित कषाय, निर्धित कषाय। कषाय के बारे में आलोचना करेंगे। कषाय ये कषाय जो है ना ये हमारा भजन खा जाता है, हमारे भीतर ऐसे ऐसी इच्छा रहती है। तो क्या होता है जब तक निर्धु तो कषाय नहीं होता है, माने हमारे अंदर जो हमारी सुप्त इच्छा जो है निवृत्ति नहीं होती है, तब तक जाके भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है, तब तक साधक को आना पड़ता है। ऐसा है, कभी कभी सुप्त इच्छा रहती है, कोई सभी हमारा सब पूर्ण हो गया लेकिन हमारा मन में एक इच्छा रह गई जे हम एक मंदिर बनाएंगे एक ठाकुर जी के लिए। मरने के पहले वो मंदिर तुमने बना नहीं पाया, बस वो शुद्र इच्छा के लिए है, वो सात्विक इच्छा अच्छा है, वो तो भगवान चाहते हैं, लेकिन वो मंदिर के लिए तुमको फिर आना पड़ेगा। इसीलिए भजन कम हो वो भी ठीक है,
लेकिन देखना ये हृदय में भगवत चरण प्राप्ति बगैर और कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। इच्छा बड़ा खतरनाक है, इच्छा ही कर्म का प्रेरक होता है। हम जो भी कर्म करते हैं कर्म का प्रेरक कौन होता है? हमारे भीतर इच्छा, इच्छा शक्ति हमको धक्का मार के ले जाता है। बहुत सारे साधक है जो भजन करने आए हैं लेकिन इच्छा एक आश्रम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लो आप लगे रहो उसके पीछे, फिर मर गए तो उसको पूर्ति के लिए आओ फिर लौट के आ जाओ, तो भगवान का दोष थोड़ी है, तुम्हारा खुजारी कारण है, खुजार मिटा फिर चलो। जिसका मन में कोई प्रकार वासना नहीं तो आएगा संसार में भगवान भेजेंगे किस लिए? वासना ही तो जन्म मृत्यु का कारण है ना। तो इसीलिए भजन कम हो वो भी अच्छा है, लेकिन देखना चाहिए इस हृदय में कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा जो एक पत्र इस शरीर रहते रहते हमको भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाए और जुगर के शुरू दर्शन हो जाए, बस बस। अगर ये छोड़ के अगर कोई और वासना है, इच्छा है तुम्हारे भीतर, तो तुमको आना पड़ेगा। इच्छा तो चार प्रकार है, तामसिक इच्छा, राजसिक इच्छा, सात्विक इच्छा, निर्गुण इच्छा, चार प्रकार की इच्छा है। तामसिक इच्छा है अवैध क्रिया कर्म आदि जो भोग वासना अवैध, यह है तामसिक इच्छा। राजसिक इच्छा संसार विषय, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि, इसमें आसक्त होकर के हमारा बेटा के लिए हम एक मकान बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये चाहिए पैसा चाहिए धन चाहिए, बेटा के एक बढ़िया नौकरी हो जाए तो फिर हम चैन से मरेंगे, मरने के पहले हम देखते हैं हमारे बेटा बेटी, यह है राजसिक इच्छा। और सात्विक इच्छा है जो मंगलमूलक कल्याणमूलक इच्छा, हम मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, हम प्रचार करेंगे, ये करेंगे, ये सब इच्छा ही सात्विक इच्छा, ये सब बंधन का कारण। और एक है निर्गुण इच्छा, वो इच्छा क्या है? नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, तो जुगल किशोर चाहिए, ये इच्छा, उनकी सेवा चाहिए, ये है निर्गुण इच्छा। ये निर्गुण इच्छा ही मुक्ति का कारण है। और जितना इच्छा सात्विक राजसिक तामसिक, ये संसार चक्र में लौटने का कारण है।